थंबनेल उठा दी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बीएसपी फार्मेसी। और आज एक और नए लेक्चर के साथ हम आपके साथ हैं, तो जल्दी से फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, देन हम लेक्चर को शुरू करेंगे। आज लेक्चर नंबर थर्ड है। आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज, आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी फटाफट क्लास को ज्वाइन करेंगे। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर। ठीक है जी, फटाफट क्लास को ज्वाइन करेंगे सभी लोग। चलिए, आज हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस के बारे में। तो सिंपली कोई भी टॉपिक हो उसका आपको, अगर जैसे आपको क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई भी एनीवन टॉपिक है, तो उसका मीनिंग आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये टॉपिक आया है, इसका आंसर ये हो सकता है या इसका मीनिंग ये है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ही समझते हैं, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस एक तरीके से हमारी बॉडी के बाहरी और अंदरी, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। ये कैसे मेंटेन करता है, ये सिचुएशंस, तीन मेन सिचुएशन या तीन मेन कंडीशंस को कंट्रोल करता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली थ्री कंडीशंस को मेंटेन करता है। फर्स्ट इज ग्लूकोज लेवल, सेकंड इज वाटर लेवल, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, इन तीनों पर ही ये बेस रहता है। तो भाई होम्योस्टेसिस का सिंपल मतलब ये है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, अंदर के एनवायरनमेंट को ठंडा करने की कोशिश करता है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो बॉडी अंदर, खुद के अंदर क्या करेगी, गर्मी प्रोवाइड करेगी, मतलब गर्म करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ ये थर्ड टेम्प जो ये है थर्ड टेम्परेचर। तो ये जो बाहर का आपको समझ में आया कि बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा होना चाहिए, बाहर ठंड है तो अंदर की बॉडी गर्म होनी चाहिए, तो ये पहली प्रोसेस हो गई वाटर लेवल। ये जो होम्योस्टेसिस है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल बैलेंस है ये नहीं, ये भी होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। होम्योस्टेसिस इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि अगर बॉडी में वाटर लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम भी होम्योस्टेसिस करता है। सेम ग्लूकोज लेवल, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है या ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो उनको भी बैलेंस करने का काम होम्योस्टेसिस का है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली तीन मेन मेजर काम कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है, वाटर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, एंड टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ रही है।
गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एक्चुअली। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ भैया, जिसको क्लास अटेंड नहीं करनी होती है, फालतू बकवास बिल्कुल ना किया करे, चुपचाप लाइव में से निकल के बाहर चले जाया करो। कल जो लाइव हुई थी टेक्निकल इशू के कारण वो बंद हो गई थी, तो एक बच्चे का कमेंट आता है कि मैम ऐसी लाइव का क्या फ़ायदा है जो पूरा कंप्लीट लेक्चर भी ना हो और ऐसे ही बंद कर दी जाए। तो भैया हम तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था भाई? हमारा तो मोटिव यही था कि लाइव पूरी कंप्लीट और टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करवाया जाए, लेकिन आप लोग को ना तो सब्र होता है और ना ही आप लोग चीज़ें समझते हो। एक हम क्यों आप टाइम वेस्ट आप लोग अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कर रहे हो तो बिल्कुल ना करें फालतू स्टूडेंट्स। इस लाइव में और हमारे चैनल पे रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फालतू की आप लोग बातें करते हो यार, मतलब कोई भी कंडीशन आ सकती है ना बंदे के सामने, लेकिन आप लोग को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो चीज़ फ्री में दी जा रही है उसकी आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी। यही कंटेंट आप 2100 रुपए में कोर्स में जाके खरीदते तो आप वहाँ बकवास नहीं करते, वहाँ आप आराम से सुन के बैठ जाते और पूरा कोर्स भी आप अपने आप देखते भी। क्यों? क्योंकि वहाँ आपने पैसा दिया है। यहाँ आप फ्री में इतना वैल्यूएबल कंटेंट ले रहे हो तो आपको यहाँ बोलना भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना? बात ये हो जाती है। तो भैया मैं अभी के अभी बोल रही हूँ, फालतू स्टूडेंट्स यहाँ फालतू की कमेंट करें या फालतू आप लोग यहाँ और स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करें तो प्लीज़ यहाँ से अभी चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ फालतू स्टूडेंट्स की। खुद तो डिस्टर्ब करते ही हैं और बाकी जो स्टूडेंट बेचारे पढ़ने आते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। DRX मनीष गुप्ता, मुन्ना भैया आज इंडिया हार गई। भैया इंडिया हार गई है तो अब तो लेक्चर पढ़ लो कम से कम, हार गई तो हार गई, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, होमियोस्टेसिस की बात हो रही थी, टॉपिक का नाम समझा हमने कि भाई ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसी चीज़ें होमियोस्टेसिस के अंदर आती है जो बैलेंसिंग का काम करती है। तो होमियोस्टेसिस मेन मेजर तीन काम कर रहा है, वाटर लेवल को कंट्रोल कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है और टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, होम्योस्टेसिस इज एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू कंडीशन दैट आर बेस्ट और इट्स सर्वाइवल। इफ होम्योस्टेसिस इज सक्सेसफुल लाइफ कंटिन्यू, इफ इट्स अनसक्सेसफुल इट्स रिजल्ट इन ए डिजास्टर और डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंपल लैंग्वेज में भैया ये लिखा है, अगर हमारे होम्योस्टेसिस में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज लेवल का ही, ग्लूकोज लेवल में हमारी बॉडी में क्या होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर आपको पता ही है ब्लड फ्लो होता है। अब इसमें ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाए तो भी दिक्कत है, अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंसिंग करने का काम किसका होता है? बैलेंसिंग करता है होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए कोई ना कोई, जैसे कि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, अब कंट्रोल कौन कर रहा था इस चीज़ को? होम्योस्टेसिस कंट्रोल कर रहा था। अब भाई यही खराब हो गया है तो अब बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तो नहीं होगा। तो जो हम हैं, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग थिंग्स है, या तो वो क्या होगी, सिंपली बात है, अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाए, हम ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ होम्योस्टेसिस वर्क नहीं कर रहा है और ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है, तो दो सिचुएशन होगी, या तो हमारी हेल्थ खराब होगी या फिर हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दो कंडीशन होगी, या तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती है या फिर हम डायरेक्ट, हमें मेजर जो प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण हम डेथ हो सकती है। तो यहाँ
सिंपल मतलब यही है। ऑर्गेनिक होम्योस्टेसिस में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा सीधा इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। आगे आ जाओ। इन द मेन इन द ह्यूमन बॉडी दीज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बॉडी टेम्परेचर वाटर लेवल। भैया सिंपल मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन भी इसी तरीके से करना है। अगर पूरा कंप्लीट टॉपिक होम्योस्टेसिस का आता है एग्जाम में या फिर आपने अपनी बुद्धि में इसको फंसा के रखना है, बिल्कुल सेट रखना है, तो आपको इसी तरीके से रखना होगा। पहले तो दिमाग में क्लिक ये करना चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या है। तो सिंपल दिमाग में बस आपको ये आना चाहिए कि हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स को ये कंट्रोल करता है, मेजर चीजों को कंट्रोल करता है। वे मेजर चीजें क्या हैं? बॉडी के अंदर वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और बॉडी के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है। तो तीन मेजर थिंग्स कंट्रोल कर रहा है होम्योस्टेसिस। इतना आपके दिमाग में एकदम से नाम पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? नहीं बेटा, वीडियो रिमूव नहीं होता है, लाइव का अलग से ऑप्शन आता है, तो उस पर आप क्लिक करके देखोगे तो लाइव की लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक किया करें तो आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगी। DRX मनीष गुप्ता, फालतू वाले जाए जाए लिखा है या क्या लिखा है? चलिए जो भी लिखा है आगे आ जाओ। ऑल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर विच डिटेक्ट स्टिमुलाई चेंज इन द एनवायरमेंट। Coordination center such as the brain, spinal cord and pancreas that receive and process information from the receptor, effector, muscles or glands which brings about responses which restore optimum levels. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा जाते हैं हम यहाँ पे। किस तरीके से होम्योस्टेसिस काम करता है? तो तीन चीजें इसमें और आ जाती हैं। फर्स्ट इज रिसेप्टर, सेकंड इज कंट्रोल सेंटर, या फिर हम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड थर्ड इज इफेक्टर, थर्ड इज इफेक्टर, ठीक है। अब इन तीनों चीजों पे बेस होता है, इन तीनों चीजों पे बेस होता है आपका कंप्लीट होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अब कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है? अब देखो, हमको मालूम है होम्योस्टेसिस तीन कंडीशंस पे वर्क करता है। पहला ग्लूकोज लेवल, क्या है? ग्लूकोज लेवल। दूसरा क्या है? वाटर लेवल, वाटर लेवल। एंड थर्ड क्या है जी? थर्ड क्या है आपका? बॉडी टेम्परेचर। थर्ड है आपका टेम्परेचर। अब हम इनमें से कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। मान लो आपने ग्लूकोज लेवल ले लिया। ग्लूकोज लेवल में क्या होता है, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज या तो बढ़ जाएगा या फिर घटेगा, दो कंडीशन होगी। तो हम पहले बना लेते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स तो सब लोग समझते होंगे ना, कितने लोग को पता है ब्लड वेसल्स के बारे में? जल्दी चैट में आंसर करेंगे। टॉपिक इसके बाद है क्या? हाँ जी, फीडबैक सिस्टम इसके बाद ही है और इसी में आता है, इसके बाद नहीं है, इसी के अंदर फीडबैक सिस्टम आता है।
बच्चों भैया एक दूसरे की बात ना सुनो, सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दो, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको छोड़ो। कोई बात नहीं अमित, आप ध्यान ही मत दो। हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है? तो ब्लड के अंदर आप लोग को पता है ब्लड सेल्स होती हैं, तो हम कुछ सेल्स बना लेते हैं। एक सेकेंड, बस ये हो गई हमारी ब्लड सेल्स। तो कुछ प्लेटलेट्स बना ले रहे हैं हम, और दिस इज ब्लड प्लाज्मा। ओहो, जस्ट वेट। ठीक है, ये क्या हमारी ब्लड, ये क्या है ब्लड वेसल। आपको पता है अगर आप लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा है तो ब्लड के अंदर तीन सेल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है, ठीक है? अब इन तीनों सेल्स के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं करनी, जब हम कंप्लीट ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हमने बात करनी है ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट होता है, तो अब ब्लड के अंदर ये तीनों सेल्स प्रेजेंट होती है प्लस प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और जो सॉलिड फॉर्म में सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ब्लड के अंदर कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, जल्दी आंसर करेंगे, कितने परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जल्दी जल्दी। 55% ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है? कितने परसेंट? 55%। अब इस 55% के अंदर ही ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज लेवल या तो इसके अंदर बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो अब हमारी पहली कंडीशन है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे प्रेजेंट होते हैं जी रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है, यहाँ रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट क्यों हुआ? क्योंकि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा था, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये इंफॉर्मेशन देगा कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, ये कौन है? इसके अंदर आ जाता है आपका ब्रेन ठीक है, ये आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जस्ट ब्रेन से ऐसे ही अटैच होती है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो यहीं लिख देते हैं, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और एक और जो इसका कंट्रोल सेंटर है वो होता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये तीनों कंट्रोल सेंटर है। तो रिसेप्टर को जैसे ही पता चला कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर इंफॉर्मेशन देंगे कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर आपको पता ही है हमारी बॉडी का मास्टरमाइंड कौन है, हमारा ब्रेन। ब्रेन सभी ऑर्गन्स को हैंडल करता है, सभी को ऑर्डर देता है, सभी पे ही अपना ऑर्डर मतलब काम करवाता है सभी से। तो यहाँ जैसे ही ब्रेन को पता चला कि भाई ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो अब वहां कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये ऑर्डर देगा इस पेनक्रिया को। किसको ऑर्डर देगा? ब्रेन को पता चल गया ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है
तो अब हमें क्या करना चाहिए, ग्लूकोज लेवल को कम करना चाहिए, मतलब बैलेंस करना है। तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया किसको, पेनक्रिया को, पेनक्रियास। और पेनक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है जो कि हमारे स्टमक के यहाँ साइड में प्रेजेंट होती है, स्टमक के बाजू में। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये पेनक्रिया एक तरीके की ग्लैंड होती है जिससे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ इसने, ब्रेन ने ऑर्डर दिया पेनक्रिया को और बोला कि भाई ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो जाके अब तुम काम करो। तो अब पेनक्रिया एक्टिवेट हुआ, ये सोया पड़ा था, एक्टिवेट हुआ और इनने क्या करा, सेल्स रिलीज करी। तो ये दो तरीके की सेल्स रिलीज करेगा, एक होती है अल्फा सेल, दूसरी होती है बीटा सेल्स। ये अल्फा सेल और बीटा सेल्स रिलीज करते हैं जी हार्मोन्स। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जल्दी बोलेंगे, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा अल्फा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या काम है, जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, और ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होगी। ब्रेन ने ऑर्डर दिया पेनक्रिया को, पेनक्रियाज ने सेल रिलीज करी। अब हमारा सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, अब हमें कौन सी सेल्स रिलीज करवानी है, पेनक्रिया किसको एक्टिवेट करेगा, जल्दी जल्दी देखो कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, जल्दी बताओ किसका आंसर आया पहले। अमित यादव, वेरी गुड। अंकित राजपूत, बहुत बढ़िया। और यश शर्मा, बहुत बढ़िया। आगे और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करेंगे। अब यहाँ क्या होना चाहिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो पेनक्रिया किस सेल को एक्टिवेट करेगा और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। पूजा, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बीटा सेल पेनक्रिया एक्टिवेट करेगा और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होगा और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे पेनक्रियाज ने इंसुलिन को रिलीज किया और इफेक्ट के तौर पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल कम होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल। डीआरएक्स मनीष गुप्ता, बहुत बढ़िया। अंकित राजपूत, ओके, चलिए यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल। आगे बढ़ू, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, सो इफ द लेवल फॉल बिलो दिस द नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। ग्लूकोज ब्लड में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन मतलब आपको पता ही है, ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और भी अदर अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। अगर ग्लूकोज लेवल कम होगा या ज़्यादा होगा तो बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, और डिसबैलेंस हो जाती है तो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। इफ द
लेवल राइज टू मच द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सेल इज अफेक्ट एंड सीरियस प्रॉब्लम कैन अराइज। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो नॉर्मल बिहेवियर किस सेल्स का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, और कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, अराइज हो सकती है। द आइडियल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज अबाउट 1 mg/cm³। एक जो आइडियल लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए कितना है जी, 1 mg/cm³। ये एक आइडियल लेवल हो गया। आगे आ जाओ, देयर आर टू हॉर्मोन्स दैट मिनिमाइज दीज फ्लक्चुएशन इन ग्लूकोज लेवल, देयर नेम आर इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जिसकी मैंने बात करी थी वो यहाँ पे आ गया है। एंड दे वर्क एंटागोनिस्टिकली अगेंस्ट ईच अदर, बोथ आर प्रोड्यूस इन द पेनक्रिया, अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस ग्लूकागोन, बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। वही थ्योरी लिखी है, कह रहे हैं कि भाई दो हार्मोन्स काम करते हैं, जो दो हार्मोन्स ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के फ्लक्चुएट करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर इंसुलिन क्या काम कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, ग्लूकागोन क्या काम कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। कौन सी सेल, कौन से ग्लैंड से ये रिलीज हो रहे हैं, जल्दी एक्टिव हैं आप लोग तो जल्दी मुझे फटाफट बताओ कौन सी ग्लैंड से ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ओके, पेनक्रियाज ग्लैंड से दोनों रिलीज हो रहे हैं। आगे आ जाओ, अब ग्लूकोज इज अ स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स दैट इज कैरी इन द ब्लड ब्लड प्लाज्मा। ऑब्वियसली ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द पेनक्रिया डिटेक्ट द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड द एप्रोप्रिएट हॉर्मोन्स इज रिलीज टू आइदर इंक्रीज और रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो पेनक्रिया भी डिटेक्ट करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, देन उसके बाद एक्शन करता है। इसी के अंदर आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक एंश्योर दैट इन एनी कंट्रोल सिस्टम चेंज आर रिवर्स्ड एंड रिटर्न बैक टू द सेट लेवल ग्लूकागोन एंड इंटरैक्ट इन ए नेगेटिव फीडबैक साइकिल। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हो रहा है, ये चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है कि जो एक सेट लेवल है उससे बढ़ रहा है लेवल या उससे घट रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये वर्क इसी तरीके से करता है, अगर जो हमारा लेवल सेट है उसके थोड़े भी ऊपर नीचे आता है तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपना फंक्शन करता है। इंसुलिन रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड प्लाज्मा। अगर इंसुलिन क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज लेवल को घटाता है, यूजिंग ऑफ द एक्सेसिव ग्लूकोज, दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स पार्शियली द लीवर, दस टेकिंग द ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, टर्निंग द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, रिमेंबर जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो यहाँ इस थ्योरी का क्या मतलब है, ये एक तरीके का मैकेनिज्म से हम समझते हैं। मैकेनिज्म समझने के लिए आगे चलो, इसको भी छोड़ो, इससे आते हैं पहले पीछे। यहां पे ये थ्योरी समझने के लिए यहां पे लिख के तब समझते हैं।
तो ये बोल रहा है कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन घटाता है, तो कैसे घटाता है? तो सिस्टम जी कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। अब आपको पता है यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे, रिसेप्टर एक्टिवेट होके क्या करेंगे? तो जी यहाँ पहले हम बना लेते हैं जिसका रोल है यहाँ पे, लीवर, लीवर का रोल है जी यहाँ पे। अगर लीवर के अंदर, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और स्टोर हो जाता है लीवर में, स्टोर्ड बाय लीवर, स्टोर्ड बाय लीवर। ये एक सिंपल प्रोसेस समझ में आ रही है, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है लीवर में। तो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो अब हमें बताया यहाँ ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, क्या बताया आपको, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको मैंने बता ही दिया है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को घटाता है, घटाता है, सही बात। अब ये घटा के करता क्या है, तो ये भाई यही काम करता है जो इंसुलिन है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके यहां पे स्टोर कर देगा और यहाँ तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंसुलिन रिलीज हुआ और लीवर में ग्लूकोज से कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में लीवर में स्टोर कर दिया। इस प्रोसेस को, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। किसी वर्ड के पीछे अगर आपको जेनेसिस दिख रहा है तो वो क्या होती है, क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब, सिंथेसिस है, सिंथेसिस होता है, कौन बताएगा मुझे? तो मिट ही गया पूरा। चलो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो, और कन्वर्ट करके उसको लीवर में स्टोर कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से ग्लूकोज लेके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज लेवल, यहाँ जाओ, ग्लूकोज लेवल घट रहा है तो क्या होगा भाई, तो भी सेम सिचुएशन है, अपोजिट काम होगा, अपोजिट होगा कि नहीं? यहां पे कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, अल्फा सेल रिलीज होगी और कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगी, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगी, ग्लूकागोन्स हार्मोन रिलीज होगा हार्मोन रिलीज होगा और ये क्या काम करेगा, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ता है, ये इससे लीवर से ग्लाइकोजन को लेता है और लीवर से ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया फिर ब्लड में इसका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये जो हार्मोन है ये लीवर से ग्लाइकोजन को लेकर के
ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ रही है? तो लीवर का यहाँ कितना बड़ा रोल है, यहाँ एक ग्लूकोज बैंक है, जैसे ब्लड बैंक होता है, तो यहाँ हम ग्लूकोज को स्टोर करके रख रहे हैं, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी गुड, वेरी गुड, बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे आ जाओ, समझ में आ गई है तो चीजें। तो यहां पे भाई लिखा यही है, देखो पूरा यही लिखा है, टर्निंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, रिमेंबर जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। क्लियर, आगे आ जाओ। अब ग्लूकागोन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड प्लाज्मा बाय डूइंग रफली द ऑपोजिट टू इंसुलिन। सो वही है जो मैंने आपको यहां बताया, ग्लूकागोन है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में तोड़ेगा, मतलब ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और ऑटोमेटिक फिर लेवल ब्लड का बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक प्रोसेस इनने दी है, ये देखो ध्यान से, राइजिंग ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज स्टोर इन द लीवर एंड मसल्स एंड इज इजीली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कौन कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकागोन कन्वर्ट कर रहा है, और जो कि कहां पे, ये ग्लाइकोजन मसल्स में भी स्टोर रहता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिए, लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, और ये ग्लूकागोन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट इन ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ध्यान से पढ़ो, ये एक एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर एमसीक्यू में आ जाते हैं, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड व्हाट इज जल्दी जल्दी कौन आंसर करेगा, दो वर्ड के मीनिंग है, ये देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वर्डिंग में कंफ्यूजन हो रही है, आप देख लीजिएगा दोनों वर्ड को, ठीक है, आगे आ जाओ। यहां पे लाइसिस लगा है, वहां पे ये रहा ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, और यहां पे हो गया आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, मुझे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अब यहां छोटा सा डायग्राम से अब समझ लो, डायग्राम क्या बोल रहा है, अब डायग्राम में यहां लिख रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल टू लो, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है और यहां ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो इस डायग्राम में आपको इजी वे में क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, ब्लड विद टू मच ग्लूकोज, इसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो क्या होगा, जो ये लीवर है आपका, कहां है जी ये लीवर, लीवर के अंदर क्या है, लीवर के अंदर हम यहां पे स्टोर क्या करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी, ये जो दोनों डायग्राम बने हैं किस किस को समझ में आई है, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी है, तो ये डायग्राम किस किस को समझ में आ रहे हैं,
दोनों डायग्राम चलो क्लियर तो आपको शो कर ही रहा है, तो मुझे फटाफट से बता दीजिए दोनों डायग्राम किस किस को समझ में आ रहे हैं। ठीक है भाई, सेम प्रोसेस है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो क्या प्रोसेस है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है तो क्या प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल, यहां पे आपको एक और इजी एग्जांपल से समझा देते हैं। होम्योस्टेसिस में ग्लूकोज लेवल एक 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है, और जो हमने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक फिक्स लेवल जो है ये भी है और ये मिलीलीटर में आंसर है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो होम्योस्टेसिस है दोनों तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बता रखी है। पहली सिचुएशन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, और दूसरी में ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या होगा। तो भाई हमने खाया कपकेक, तो कपकेक खाने के बाद ब्लड का ग्लूकोज लेवल गया बढ़, अब बढ़ने के बाद क्या होगा, पेनक्रियास, आपको मैंने बताया ही था रिसेप्टर एकदम से जगेंगे, रिसेप्टर सो रहे होते हैं, तो जैसे ही उन्हें पता चला ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है अब वो जगेंगे और इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन है हमारा, अतमाजी सटक ली ब्रेन है ना, तो ब्रेन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा पेनक्रिया को, और पेनक्रिया एक्टिवेट करेगा किसको, किसको एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो ये एक्टिवेट करेगा बीटा सेल्स को, और बीटा सेल्स में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन, तो यहां पे जी इंसुलिन प्रेजेंट है, तो पेनक्रियास से रिलीज होगा इंसुलिन, यहां हम लिख क्यों रहे हैं, पर यहां लिखा तो है इंसुलिन रिलीज होगा। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और स्टोर करेगा लीवर में, किसमें करेगा, लीवर में स्टोर कर देगा। अब यहां पे ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिलाइंस, मतलब जो हमारा फिक्स लेवल है उसमें मेंटेन कर देगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपका इंसुलिन काम करेगा। आप इस तरीके का डायग्राम अगर एग्जाम में बना के आओगे 110% होम्योस्टेसिस आपका क्लियर। एग्जाम में अगर जब भी लिखो डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लुल्लू मकोड़े कुछ भी बना दिए, है ना। आगे आ जाओ, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो सेम वही है, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, ब्रेन पेनक्रिया को एक्टिवेट करेगा, वहां से सेल्स रिलीज होगी, सेल हार्मोन को रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, जो हमने लीवर में ग्लाइकोजन को स्टोर किया था ये ग्लाइकोजन से कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, अब ऑटोमेटिक ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो सेम हमारी पहली होमियोस्टेसिस कंडीशन बिल्कुल कंप्लीट, क्लियर। होमियोस्टेसिस कितनी बात समझ में आ गई, सही तो करनी पड़ेगी जी हैंडराइटिंग, अगर हैंडराइटिंग खराब है। आगे आ जाओ, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बाहर का जैसे आप राजस्थान गए घूमने, वहाँ बहुत गर्मी है, आप तुरंत उसके जस्ट बाद देखो ट्रिप आपकी बनी, आप पहुँच गए कश्मीर, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो दोनों सिचुएशन अलग है, एक जगह बहुत गर्मी एक जगह बहुत ठंड, तो लेकिन आपकी बॉडी इतनी मेंटेन कैसे होती है, तो भैया होम्योस्टेसिस की वजह से ही मेंटेन होती है, यहाँ गर्मी जो बाहर का जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी
ढलने की कोशिश करती है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है तो अंदर बॉडी खुद को क्या करेगी, ठंडा रखने की कोशिश करेगी। और कैसे ठंडा रखेगी, तो ये जी अंदर जैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपको स्वेटिंग, आपको पसीने आने शुरू हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से पसीने आते हैं, आपका होम्योस्टेसिस सिस्टम जग जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो बाहर अंदर की गर्मी को बाहर ऐसा पसीना निकालना शुरू कर देता है, पसीने की तरह पसीने की उससे निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, व्हेन वी गेट टू हॉट द हाइपोथैलेमस सेंड इम्पल्सिस टू द स्किन विच कॉज थ्री थिंग्स टू हैपन। तो यहाँ हाइपोथैलेमस किस किस को पता है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो आपके इसी में ही रहती है, आपके ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक होती है मास्टरमाइंड जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वो भी कुछ हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, उनमें से एक चीज़ ये करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंड आपको हॉट मतलब गर्म आपको लगने लगे तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इम्पल्सिस भेजता है टू द स्किन को, और स्किन क्या करेगी, स्वेटिंग करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, तो यहाँ तीन कारण इन्होंने बताए कि गर्मी लगने पर क्या क्या चीजें एक्टिवेट होती है, फिर क्या होता है। पहली चीज यहां पे अवर हेयर लाई फ्लैट सो लेटिंग मोर हीट आउट। अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो जो हमारे हेयर्स हैं वो फ्लैट होने मतलब डाउन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है भी स्वेट द इवेपोरेशन ऑफ दिस कूल्स अस डाउन। स्वेटिंग होने में शुरू हो जाएगी, बाहर अंदर से गर्मी पैदा होगी तो स्किन के थ्रू क्या होनी शुरू होगी, हमें पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगला मोर ब्लड गोज थ्रू द स्किन, दिस एक्ट लाइक अ रेडिएटर टू रेडिएट अवर हीट। मोर ब्लड गोज थ्रू द स्किन, अब यहाँ पे जो ब्लड है वो भी ब्लड का जो फ्लो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो आपका ब्लड है वो बिल्कुल कैसे बोलते हैं, जैसे सर्दी के टाइम पे ब्लड थोड़ा सा हाथ पैर भी हमारे बहुत कम काम करते हैं, वो इसलिए काम करते हैं जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और गर्मी के टाइम पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये यही है, ये वाली बात है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, कंट्रोल करने के बाद ये तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है और ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। आगे आ जाओ, इफ वी गेट टू कोल्ड, अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड लग रही है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अवर हेयर स्टैंड अप द स्ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर विच एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। तो आपको देखा होगा बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही चीज़ है, ज़्यादा अगर आपको ठंड लगेगी तो रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। वी स्टॉप स्वेटिंग, स्वेटिंग हमें होगी ही नहीं, लेस ब्लड गोज, वही खून का जो दौर है तो क्या बोलते हैं उसको, ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो भी थोड़ा कम फ्लो होगा। अवधेश मिक्स्ड स्टूडियो, क्लास डेली होती है क्या, हाँ जी क्लास डेली होती है, आप अटेंड कर सकते हो। हॉट एंड कोल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन दे दिया गया है, वैसो डायलेशन वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। अब वैसो डायलेशन वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, वैसो से मतलब है आपकी जो ब्लड वेसल्स है जो नसें हैं इसको हम वैसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वैसो डायलेशन का मतलब ये है, यहाँ पे आपकी वैसल्स गर्मी के कारण डायलेट हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, और जिसके कारण ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है। ठीक है जी, स्वेटिंग, यहाँ पे स्वेटिंग होगी गर्मी में लेकिन यहाँ शिवरिंग होगी, यहाँ पे पिलो रिएक्शन रिलैक्शंस, यहाँ पे पिलो इरेक्शंस, हेयर ऑन स्किन स्टैंड अप, यहाँ पे रिलैक्सेशन मतलब हेयर नॉर्मल रहते हैं, रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे
पिलो इरेक्शन, इरेक्शन मतलब खड़ा होना, तो यहाँ पे आपके हेयर्स क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपको रोंगटे खड़े, जिसे हम बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रीचिंग आउट, स्ट्रीचिंग आउट होने लगती है, बाय ओपनिंग द बॉडी वॉज लार्जर सरफेस एरिया, कर्लिंग अप मेक अप योर सेल्फ स्मॉलर सो स्मॉलर सरफेस एरिया। स्किन गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें मतलब थोड़ा फैला फैला सा लगता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इसमें ठंड के कारण सरफेस एरिया घट जाता है। आगे आ जाओ वाटर लेवल। तीन बेसिक कंसेप्ट है, मेजर कंसेप्ट है इसके अंदर, वाटर लेवल, ग्लूकोज लेवल और आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तीनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये जी आपका थर्ड अब चलेगा वाटर लेवल। वाटर लेवल अगर घट रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस काम करता है। वी हैव टू किडनी विच आर इन योवर लोअर बैक जस्ट वेयर योवर बेल्ट गोज, देयर जॉब इज टू क्लीन द ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट अनवांटेड मटीरियल सच एज यूरिया, एक्सेस वाटर, साल्ट एंड आयंस। तो जी आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं भाई किडनी के बारे में, ये आपके हम दो छोटी छोटी यहाँ पे किडनी बना लेते हैं, तो यूरिनरी सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट मटीरियल होता है, अनवांटेड मटीरियल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे यूरिया है, या बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर ऐड हो रहा है, वाटर है, उसको रिमूव आउट करना, कुछ साल्ट्स को, कुछ आयंस को, जो अनवांटेड मटीरियल है बॉडी के अंदर, तो उसको बॉडी से बाहर करता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम भी हम पढ़ेंगे आगे, बस अभी आप इतना समझो वाटर लेवल को किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो वाटर लेवल को अगर बॉडी से कम हो रहा है, अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, तो उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, वेस्ट मटीरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। द किडनी प्रोड्यूस यूरिन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, सम आयंस एंड वाटर। तो यहाँ पे किडनी की बात हो रही है, किडनी क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। फिल्ट्रेशन में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, अच्छा प्योर ब्लड रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं बॉडी, और जो वेस्ट है, वेस्ट यूरिन के तौर पे निकलता है, तो वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। आगे आओ, तो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कि बॉडी से हम बाहर क्या कर रहे हैं, वाटर और यूरिया। वाटर 73% ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर 83%, बॉडी के, ब्लड के अंदर 95% ब्लड कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ टोटल ब्लड, टोटल वाटर, बॉडी वाटर हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है, जिस 60% हमारा जो बॉडी के अंदर वाटर होता है, वो 60% होता है। यूरिया, यूरिया एज अ वेस्ट अनवांटेड थिंक होती है, अनवांटेड चीजों को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आगे आओ, अगला टॉपिक है आपका बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, जो आप एचएपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या फिर कल को आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगले सेमेस्टर्स में आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट वाइज कुछ मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ वर्ड के मीनिंग अलग बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में कुछ वर्ड के मीनिंग अलग बोलते हैं। जैसे सिंपल समझो, एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी को हम बाहर की स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी बोल रहे हैं, और अंदर के फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। वहीं दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाओ, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप अगर किसी बैक्टीरिया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी ही होंगी, याद इसलिए क्योंकि आपको सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर पढ़ना है, डायरेक्ट आपको ये एनाटॉमिकल टर्म्स आएंगी,
ना कि आप उसका मीनिंग पढ़ पाओगे। मीनिंग फिर वहाँ कोई बताएगा नहीं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो यहाँ कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं, आगे आ जाओ। यहाँ पे लिखा है सुपीरियर, सुपीरियम, सुपीरियर, सुपीरियर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल्स भी बोलते हैं। सुपीरियर मतलब ये इतना पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, हेड वाले पार्ट को सुपीरियर, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर। तो यहाँ एनाटोमी की ही बात चल रही है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है कि ह्यूमन बॉडी में ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर बोला जाता है। यहाँ पे कैडुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है टूवर्ड द हेड, ठीक है। एंटीरियर को क्या बोलते हैं, वेंट्रल, पोस्टीरियर को डोर्सल। एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। मीडियल मतलब बीच में, लेटरल मतलब टूवर्ड साइड ऑफ द बॉडी, साइड में। इंटरनल मतलब अंदर, सरफेस ऑफ द बॉडी। डीप, डीप का मतलब ही अंदर होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर। प्रोक्सिमल मतलब क्या होता है, मेन मास ऑफ द बॉडी, बीच में। डिस्टल मतलब दूर। विसरल रिलेटेड टू द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को हम विसरल पार्ट बोल रहे हैं। पैराइटल रिलेटेड टू द बॉडी वॉल्स, बॉडी वॉल्स को क्या बोल रहे हैं, पैराइटल्स। तो ये कुछ ऐसे एनाटोमिकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो यहाँ पे कुछ सेम चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको बना ही लेने हैं बेटा, नोट्स बनाने ज़रूर है। तो ये आपका एनाटोमिकल टर्म्स भी ख़त्म और आपका होम्योस्टेसिस भी ख़त्म। आज फर्स्ट क्लास नहीं है, आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, वहां से जाके देखो। और अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए चारों सब्जेक्ट की, प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, वहां से जाके देखो, वहां आपको डेली चारों क्लासेस मिलेंगी। लेकिन वो क्लासेस पेड है। एचएपी की क्लास यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, लेकिन वहां पे आपको पेड क्लासेस मिलेगी और वहाँ आपको टेस्ट भी करने को मिलेंगे वहाँ, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। मैम प्लीज़ क्लास को यूट्यूब पे रहने दीजिए, रिमूव नहीं कीजिए। नहीं, रिमूव नहीं करते हैं। आप यूट्यूब पे जा कर के यूट्यूब चैनल पे जब सर्च करते हो तो हमारा लाइव का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ भी मिल जाएगी। इससे पहले कितनी क्लास हो चुकी है बेटा, इससे पहले सिर्फ मात्र दो क्लास हुई है। किसी का कोई डाउट है पूछ सकता है अभी। आप अपने पास दो तीन मिनट है तो हम रुक सकते हैं आप लोग के लिए। हाँ जी, आ गए हर्ष आप। हमारी मर्जी है बेटा, हमने नहीं पढ़ाया था, बताओ अब आप। जब क्लास चली थी 6 बजे और वहाँ से कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने डिलीट कर दी, चली भी नहीं थी प्रॉपर क्लास। तो बेटा हमारे दिमाग में खुजली आ रही है कि हम वहाँ से क्लास डिलीट भी करेंगे और टाइम पे क्लास आके लेंगे भी, है ना। आप लोग मतलब एक मिनट में जज कर देते हो कि भाई क्लास नहीं चल रही, ऐसा वैसा, क्या फ़ायदा है। तुम ही मैसेज कर रहे थे ना ये। ऑल सब्जेक्ट के फ्री में ले लो मैम यूट्यूब पे। बेटा फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे फालतू बकवास भी करते हैं, तो उनके लिए हम फ्री में बिल्कुल नहीं देंगे। जितनी वैल्यू आप पैसों की करते हो, उतनी वैल्यू आप यहाँ फ्री कंटेंट की बिल्कुल नहीं करते हो।
ये बात सच्चाई है। अब वहां से जाके अटेंड की करिए क्लास, वहां ज्वाइन करिए, इतना कॉस्टली भी नहीं रखा है प्राइस, क्योंकि घर पे भी सारी चीजें दे रहे हैं आपको, डेली चार चार लाइव, और डेली चार चार आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, चार अलग अलग टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हर सैटरडे को आपका टेस्ट ले रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोग को, ये बताओ। चलिए भाई, कल को सेम टाइम पे 6 बजे HAP की क्लास होगी, तो टाइम पे आ जाइएगा, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आज की लेक्चर हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल। ओके, टेक केयर, बाय बाय।